बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 का ए पार्ट करेंगे। ए पार्ट में वो कहता है एक आदमी है, अ मैन कट्स हेजल ट्वीज टू मेक बीन पोल्स। एक आदमी जो है वो हेजल के जो शाखें हैं, हेजल एक फलदार पौधा होता है, झाड़ी होती है झाड़ी नुमा, टू मेक बीन पोल्स, बीन होते फली वाले पौधे, उनके पोल बनाने के लिए, मतलब उनको सीधा रखने के लिए जो लकड़ी यूज़ होती है उसको काटता है। ठीक है, इससे हमें कोई वास्ता नहीं है, लेकिन हमें क्वेश्चन को समझना है। ही सेज दैट अ स्टिक इज़ 240 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक स्टिक ऐसी है जो 240 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इनफैक्ट द लेंथ ऑफ स्टिक फॉलोज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आप लिख लें, लेट ना भी करें वैसे लिखने, लेंथ ऑफ स्टिक्स फॉलोज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड 10% आर लेंथ ऑफ आर ऑफ लेंथ। वो 10% ऐसे ही हैं जिनकी लेंथ जो है वो लेंथ हमने पहले ही अज्यूम कर ली है। ठीक है, ये आपने अज्यूम जब तक ना किया आपको समझ नहीं आएगी। लेंथ हमने पहले ही अज्यूम कर ली है ऑफ लेंथ, उनकी लेंथ जो है 250 सेंटीमीटर है आर मोर। 250 है या मोर है, ये 2 नहीं डालना, ये वैसे ही मुझे डल गया। इसको क्वेश्चन 1 का नाम दे दें। फिर वो कहता है एंड 10% एंड वाइल 55% ऐसे हैं जिनकी लेंथ जो है 240 से ओवर है। ओवर के लिए भी ग्रेटर का साइन यूज़ करना है हमने। इनकी लेंथ ओवर है 240 से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टिक इज पिक्ड एट रैंडम इज लेस देन 235। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 235, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें तो चाहिए इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू चाहिए। ये हम वैल्यूज देखते हैं, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। फ्रॉम वन आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 250 इज इक्वल टू 10%, एक्स में से म्यू माइनस कर देना है और डिवाइड कर देना सिग्मा पर। पॉइंट वन आ जाएगा, यहाँ z में कन्वर्ट हो जाएगा, z ग्रेटर देन आर इक्वल टू 250 माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा। इसी तरह फ्रॉम टू लिख लें, आप इसे राइट हैंड पे कर लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 240 इज इक्वल टू 55%, एक्स में से म्यू माइनस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे सिग्मा पर, ग्रेटर देन सॉरी इक्वल टू का साइन यूज नहीं करना आपने, ये आ जाएगा 55%। अब क्या करना है, ये जी में कन्वर्ट हो जाएगा, जी ग्रेटर देन 240 माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा 0.55 आ गया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पर मैं आ जाता हूँ। नेक्स्ट पेज पे जब आपको पता है ग्रेटर देन का साइन आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड में पहले कर रहा हूँ, देख लो ताकि आपको पता चल जाए, ये मैं लेफ्ट हैंड साइड कर रहा हूँ, ग्रेटर देन का साइन यूज आ जाए तो 1-5 ऑफ a 250 माइनस म्यू
डिवाइड बाई सिग्मा इज इक्वल टू 0.10। ये फाई को दूसरी साइड पे ले जाएं आप, ठीक है, 0.1 को मैं इधर ले आता हूँ। ये नहीं करना, कई ये क्वेश्चन यही क्वेश्चन करते हुए मैं आपको बता रहा हूँ। कल मैंने टेस्ट लिया अपनी क्लास का, तो इसी क्वेश्चन को हल करते हुए ना लड़का ये वाली फाई इधर ले गया और इधर ले जाके इन्वर्स कर दी। नहीं, इन्वर्स नहीं करना, इसके साथ वैल्यू अभी माइनस प्लस की है। जब आप अकेले फाई को उधर ले जाएंगे तो इन्वर्स का होगा, ठीक है। यहाँ फाई देखिए, अब मैं इधर ले जा रहा हूँ, इन्वर्स हो जाता है। मल्टीप्लाई से डिवाइड की तरफ ले जाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कि यहाँ से इधर लाया तो इन्वर्स हो गया। 250 माइनस म्यू, ये 0.99 की रो में देखना है और 0.000 के कॉलम के अंदर आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ये मेरे पास आ रही है 0.90 आ जाना था, फिर आ गई है 0.90 की रो में, जो आ गया 1.2816 सिग्मा, इधर ही ले आए 250 माइनस म्यू। ये म्यू आप अगर इधर ले आते हैं ताकि प्लस का हो जाए, जो बैलेंस हमें चाहिए वो मिले 1.2816 सिग्मा। ये क्वेश्चन आ गई हमारे पास, इसको लेटेस्ट थर्ड क्वेश्चन का नाम दे देता हूँ। ये मैं राइट हैंड साइड कर रहा हूँ, पेपर में भी ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ आपको पता है इधर भी माइनस का साइन 1- यूज़ होना है, क्योंकि इधर भी ग्रेटर देन का साइन यूज़ हुआ है। ये आ जाएगा 240 माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा इज इक्वल टू 0.55। पॉइंट डबल फाइव मैं इधर ले आता हूँ, फाइव को उधर ले जाता हूँ, 240 माइनस म्यू 0.45 आ जाएगा आपके पास। ये इधर आके इन्वर्स हो गया, 240 माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा रह गया 0.45 की रो में देखना है और 0.000 कॉलम के नीचे आपको वैल्यू मिलेगी 0.1257 सिग्मा को यही मल्टीप्लाई कर दें, 240 आ जाएगा माइनस म्यू। ये म्यू मैं अगर इधर ले आता हूँ 240 माइनस पॉइंट, ये इधर माइनस का आना था आपको पता है 0.5 या इससे लेस हो, 0.5 से जब लेस होना है तो माइनस में आंसर आएगा, इन्वर्स टेबल का रूल है। जब इधर माइनस का आना था इधर आके ये प्लस का हो जाएगा। तो ये आ गई मेरे पास एक और क्वेश्चन, इसको मैं फोर्थ का नाम दे देता हूँ। इन दोनों को सोल्व करते हुए आपने म्यू एंड सिग्मा की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। मैं आप कर ले थर्ड में से फोर को सब्ट्रैक्ट कर ले या फोर में से थर्ड को, चलिए मैं फोर में से सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ थर्ड को, या थर्ड में से मैं थर्ड में से फोर्थ को कर देता हूँ सब्ट्रैक्ट। म्यू इज इक्वल टू 250 माइनस 1.2816 सिग्मा। मेरी कोशिश होती है वीडियो जो है वो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए, और स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाना है आपने, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। जब मैं माइनस करना है इधर भी माइनस आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, 250 में से 240 निकाले 10 बचता है। ये माइनस माइनस है, प्लस करके इनके साथ माइनस का साइन यूज़ करना है आपने। 1. ये मेरे पास आ रहा है 1.4073 सिग्मा। ये माइनस 10 हो जाएगा इधर आ गया, ये माइनस 1.4073
सिग्मा आ जाएगा। रिटर्न पे डिवाइड करेंगे आपके पास सिग्मा का आंसर आ जाएगा। मैं करता हूँ, मेरे पास ये आ रहा है जी, मेरे पास आ रहा है 7.1। आप मेरी तरह सॉल्व करेंगे, आपका आंसर भी यही सेम ही आएगा। अब आपने क्या करना है, पुट सिग्मा की वैल्यू पुट कर देनी है, वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड में कर ले चाहे फोर्थ में, आंसर जो है वो सेम होगा। ठीक है, मैं इसे पुट कर लेता हूँ थर्ड में, चलिए थर्ड में या फोर्थ में कर लेता हूँ, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 240+0.1257 × 7.1। ये म्यू का आंसर आ जाएगा आपके पास 240.9। मेरी कोशिश थी वीडियो लंबी ना हो जाए, मेरा यही इरादा था आपके लिए ये सॉल्व करने के लिए छोड़ूं, लेकिन मैं अब खुद ही सॉल्व कर रहा हूँ। अब उसने कहा 235 प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, लेस देन 235 एंड पर कह देता है। अब क्या करेंगे, ये आपने एक्स में से म्यू माइनस कर देना, वो ही पहली वाली बातें, इसमें से म्यू माइनस कर देना, डिवाइड कर देना सिग्मा पर, इक्वल में कुछ नहीं लिखना, ठीक है, जी में कन्वर्ट कर देना है, जी लेस देन 235 में से म्यू माइनस कर देना जो कि ऑलरेडी हमने फाइंड कर रखा है, डिवाइड बाय 7.1 सिग्मा की वैल्यू है फाइव ऑफ दिस, इनको सोल्व कर लेना कैलकुलेटर से। मैं सोल्व कर लेता हूँ, ये मेरे पास आ रहा है 0.83, वो भी माइनस का। अब 0.83 किलो में देखना है, 0.0 वाले कॉलम के नीचे आपके पास वैल्यू आ जाएगी ये 0.2032, और यही हमें रिक्वायर्ड थी, पी ऑफ एक्स लेस देन 235। इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन हो गया सोल्व। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपने होस्ट टेक्निकल प्रोफेसर को दीजिए इजाज़त, अल्लाह नेगेबान।